वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस मुनमुन सेन के बारे में, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, उनका फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, उन सब के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इनका वास्तविक नाम देव वर्मा और पेशा से राजनीतिज्ञ व्यवसायी रह चुकी हैं। इनका जो है राजनीतिक सफ़र 2014 में स्टार्ट हुआ, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 4 मार्च 2014 को बांकुरा सीट के लिए टीएमसी लोकसभा उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई। दोस्तों, अगर पुरस्कार सम्मान की बात की जाए तो 1987 में तेलुगु फिल्म सिरी वेनेला के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार और 1994 में टेलीविज़न भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कलाकार पुरस्कार और 1998 में फिल्म और टीवी के लिए भारत निर्माण पुरस्कार और 2000 में फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कलाकार पुरस्कार कला केंद्र स्क्रीन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगर इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो 28 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ बल्लीगंज कोलकाता, और पढ़ाई लिखाई इनकी जो हुई वो लोरेटो कॉन्वेंट शिलोंग और लोरेटो हाउस कोलकाता से। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सोमरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से। दोस्तों, ये स्नातक हैं और इनकी योग्यता तुलनात्मक साहित्य में परास्नातक हैं। ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, इन्हें वेज नॉन वेज दोनों खाना पसंद है। कोलकाता इनका गृहनगर है, वहीं ज़्यादातर ये रहती हैं। इन्हें चित्रकारी और प्राचीन वस्तुएं एकत्रित करना इनका शौक है। इनके अलावा इनकी अगर विवाद की बात की जाए तो 1984 में जब इन्होंने फिल्म अंदर बाहर से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की तो बहुत सारे विवाद इनके इर्द गिर्द घूमे, क्योंकि फिल्म में बहुत ही बोल्ड और साहसी किरदार इन्होंने निभाया था। और दूसरा, 2014 में जब वो एक रैली के लिए बांकुरा का दौरा कर रही थी तो बांकुरा की सड़कों को धोया गया था ताकि मुनमुन सेन और उनकी दोनों बेटियां धूल के कारण कोई कठिनाई ना हो। उस समय आलोचना की गई क्योंकि बांकुरा में उस समय पानी की गंभीर समस्या थी। दोस्तों, उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुनिया के सामने भारत की छवि बेहतर बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इतनी यात्रा की कि वो पूरी तरह से भूल गए, उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जिन्हें भारत के लोग पीड़ित हैं। तो इस तरह से वो वाद विवाद से बाहर आई और वो विवाहित हैं। इनके पति का नाम है भारत देव वर्मा, जो कि व्यवसायी हैं। इनकी शादी की तारीख 24 फरवरी 1978। इनकी दो बेटियां हैं रायमा सेन, रिया सेन, जो कि एक्ट्रेस हैं। इनके पिताजी का नाम दिवानाथ सेन और माता का नाम सुचित्रा सेन, जो अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, इनका जो कुल संपत्ति है बहुत ही बहुत अच्छा है जिन्होंने कमाया है ये, और कोलकाता के अलावा कई और जगह में इनकी प्रॉपर्टी हैं। वो बालीगंज गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षिका हुआ करती थी, बाद में चित्रवाणी स्कूल में शामिल हो गई जहां वो ग्राफिक्स पढ़ाती थी। उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले ऑल इंडिया रेडियो और कोलकाता के बालीगंज सरकारी हाई स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम किया, और बॉलीवुड में आने से पहले वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री थी। उन्होंने कई कन्नड़, मराठी, मलयालम और तेलुगू सिनेमा में काम किया और वो सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय थी। शादी से पहले उन्होंने एक बार एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शादी और माँ बनने के बाद ही फिल्म उद्योग में कदम रखा। उन्होंने 1984 में बॉलीवुड फिल्म अंदर बाहर से हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके सह कलाकार अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ रहे। दोस्तों, वो हमेशा फिल्म में चर्चा में रहीं। उन्होंने बोल्ड भूमिकाएं निभाई और 60 से अधिक फिल्मों और 40 से ज़्यादा टेलीविज़न धारावाहिक में काम किया। उनकी शादी त्रिपुरा के एक शाही परिवार के वंशज भारत देव वर्मा से हुई। उनकी दो बेटियाँ हैं रायमा सेन और रिया सेन। उनके पति भरत ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। आम चुनाव के लिए बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार में मुनमुन सेन ने
आगे काम किया और सक्रिय रूप से उन्होंने आगे बढ़ी। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।